वेलकम बैक नौकरीखबर.com यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर नई भर्ती 2020 के बारे में, जिसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। साथ में इन सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 7 सितंबर 2020 रखी गई, तो आपको इसके अंदर ही आवेदन कर देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 69 यानी कि 69 देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। आप लोग देख पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ डाउनलोड करके। साथ में आगे हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सिलेक्शन सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहेगा। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये वैकेंसी आ चुकी है, जहां पर आपको डेट 18/8/2020 यानी कि 18 अगस्त देखने को मिलेगी। और यहां पे जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7/9/2020 यानी कि 7 सितंबर 2020 यहां पे रखा गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है कैसे अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आपको ओनली वन पोस्ट पर अप्लाई करना है। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों को कौन कौन सी पोस्टें मिलेंगी। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको दिखा देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे UPSC के अंतर्गत BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB की तरफ से वैकेंसीज आ चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका 69 यानी कि CISF की वैकेंसी के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 69 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। 18 अगस्त 2020 के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, तो इनके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से डाउनलोड जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे। 14 पेजों का PDF है, सारी की सारी नेशनलिटी और एज लिमिट के साथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का सचमुच सपना है साल 2020 के अंदर CISF को ज्वाइन करके इंडिया यानी कि भारत देश की सेवा करने का, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखेगा, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप लोग 10वीं-12वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टें रखी गई हैं महिला और पुरुष, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन को दिखाया, दोनों के लिए बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी डिफेंस गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप सभी को टाइम से मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको डायरेक्ट आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी देखने का जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप लोग जहां पे कमेंट करेंगे वहां पे मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट ही mponline.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग इस वैकेंसी के बारे में सारी की सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, तो नीचे आने पर आप लोग यहां पे देख पाएंगे 19 अगस्त 2020 का बड़ा अपडेट है। CISF असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, जहां पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। यहां पे देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन 69 AC यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डायरेक्ट लिंक mponline.co.in का यहां पे ऐड कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे UPSC CAPF के अंदर AC यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए आ चुकी है। 69 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टें रखी गई हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 18 अगस्त 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक आप लोग यानी कि 7 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो आपकी जो एज है वो 25 ईयर यानी कि 25 साल मैक्सिमम। और इसके अलावा ST SC OBC PWD PH कैटेगरी के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में छूट भी मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो केवल और केवल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 200 रुपये, बाकी अगर आप लोग SC ST PH या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे के बारे में, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे कम्बाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो जारी करी गई है, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं।
कौन कौन से राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया की जॉब है, भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर पाएंगे, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी यानी कि वेतन क्या रहेगी, तो 35,100 रुपए से लेकर 112,400 रुपए पर मंथ का आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट है तो अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग कब तक और कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, 7 सितंबर 2020 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिखेगा, तो आप लोग देख पाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन पीईटी पीएचटी मेडिकल इंटरव्यू और फाइनल मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। नीचे आने पर इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर अप्लाई का सेक्शन है, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का सेक्शन यहाँ पे रखा गया है एमपी ऑनलाइन के लिए। तो आप लोग एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाते हैं एक बार, तो आपको यकीन मानिए कि बहुत ही डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में ओरिजिनल जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, आप लोग डायरेक्ट ही एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो दोस्तों जो मेरा नोटिफिकेशन है ऑलरेडी डाउनलोड है, आप लोग यहां पे देख पाएंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी है 18/8/2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहां पे ऑलरेडी बता दी गई है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इनकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन में एंट्री ले लेना है। साथ में आपको बता दें कि ई एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको इसी YouTube चैनल और वेबसाइट के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। आपको किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और 20/9/2020 यहाँ पे 14/9/2020 से लेकर 20/9/2020 के बीच में आपका जो यहाँ पे बोला गया है कि एडमिट कार्ड है वो शायद तक आ जाएगा। इसके अलावा आपको बोला गया है कि आपका सुधार जो है तो इसी बेस पे हो जाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आप लोग उसको सुधार भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोली गई है कि मोबाइल फोन और अदर आर्टिकल्स बैंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसबी के लिए यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो अगरतला अहमदाबाद और यहाँ पे और भी बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दिल्ली देहरादून, बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे मैंने इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और नीचे आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिलेंगी, जैसे कि नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे आप मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 25 ईयर से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, और एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 ईयर का दिया गया है एसटीएससी के लिए और 3 ईयर का ओबीसी के लिए। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, फिजिकल के बारे में, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है। फीस के बारे में मैंने बता दिया कि 200 रुपये यहाँ पे आपका लगेगा यहाँ पे जर्नल में, और एसटीएससी फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपका फिजिकल के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया गया, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई हो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।